जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम अध्ययन कर रहे हैं संख्याओं के बारे में। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं, मिलान कीजिए। आज का प्रश्न क्या है बच्चों? मिलान करना है हमें किसको? अंकों में जो लिखी हुई संख्या है उसको शब्दों में लिखी हुई संख्या से मिलान करना है। ठीक है, अच्छे से आता है आपको अंकों में की संख्याओं को शब्दों में लिखना और शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो हमें मिलान करना है संख्या से, संख्या का नाम क्या है? ठीक है, अब ये कितना है? 10। तो इस 10 को हमने इस शब्दों में लिखी हुई 10 से मिलान कर दिया, पहले से करा हुआ है। अब हम बाकी के जो संख्या हैं उनको इन संख्याओं से, शब्दों में लिखी हुई संख्या से मिलान करेंगे। ठीक है, तो 10 को हमने 10 से मिलान कर दिया है। उसके बाद में हमारे पास में संख्या है 60। तो अब इसमें से देखिए बच्चों, 60 कहाँ पे है? ये रहा 60। ठीक है, तो हम इस 60 को इस 60 से मिलान कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास में संख्या है 30। कितनी है? 30। अब इसमें से ये रहा 30 सेकंड नंबर पे, तो हमने ये 30 को मिलान कर दिया। फिर हमारे पास में संख्या है 90। कितनी है? 90। अब 90 ये रहा, ये हमने 90 लिखे हुए अंकों में 90 को शब्दों में लिखे हुए 90 से मिलान कर दिया है। फिर हमारे पास में संख्या है 50। क्या संख्या है? 50। तो इसमें से 50 ये रहा, 50 तो सामने ही है, ये हमने 50 से मिलान कर दिया। उसके बाद में हमारे पास में संख्या है 20। तो 20 ढूंढते हैं, ये रहा 20, ये हमने 20 को अंकों में लिखे 20 को शब्दों में लिखे 20 से मिलान कर दिया है। फिर संख्या है हमारे पास में 70। कितनी है? 70। तो ये रहा 70, ये मिलान कर दिया हमने 70 से। अंकों में जो लिखा हुआ था 70 उसको हमने मिलान कर दिया है शब्दों में लिखे हुए 70 से। फिर संख्या है हमारे पास में 40। तो ये रहा 40, ये 40 को हमने अंकों में लिखे 40 को शब्दों में लिखे 40 से मिलान करवा लिया है। फिर हमारे पास में संख्या है 80। कितनी है? 80। इसमें से ये रहा 80। ठीक है, 80 को हमने अंकों में लिखे 80 को शब्दों में लिखे 80 से मिलान कर दिया है। फिर हमारे पास में संख्या है 100। कितनी बच गई है? 100। अब 100 को हम, ये रहा 100, ये अंकों में लिखे 100 को हमने शब्दों में लिखे 100 से मिलान कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारी संख्या को एक से लगा के 100 तक की संख्या को हमने आपस में अंकों में लिखी संख्या को शब्दों में लिखी हुई संख्या से मिलान कर दिया है। ठीक है, 10 को 10 से मिलान कर दिया है, 60 को 60 से मिलान कर दिया है, 30 को 30 से मिला दिया है, 90 को 90 से मिलान कर दिया है, 50 को 50 से मिलान कर दिया है, 20 को 20 से मिलान कर दिया है, 70 को 70 से मिलान कर दिया है, 40 को 40 से मिला दिया है, 80 को हमने 80 से मिला दिया है, और इधर 100 को 100 से हमने मिलान कर लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गए अंक संख्याओं को मिलाना। अब हमारे पास में अगला प्रश्न है कि सही गुब्बारा पकड़ाइए। अब सही गुब्बारा किसे पकड़ाना है? यहाँ देखिए, कुछ बच्चे हैं, बच्चों के टी शर्ट पे हमने नाम लिख दिए हैं, अंक अलग अलग संख्या दे दी है उनको। ठीक है, ऊपर बलून में जो गुब्बारे हैं, गुब्बारों में तो हमने संख्या लिखी है अंकों में। ठीक है, अंकों में संख्या लिख दी है और संख्या का नाम हमने दे दिया है शब्दों में। ठीक है बच्चों, जो बच्चे हैं उनको हमने नाम दे दिया है शब्दों में और गुब्बारों के अंदर हमने संख्या लिख दी है अंकों में। तो हमें अंकों की सब संख्याओं को शब्दों की संख्याओं से मिलान करना है। ठीक है, गुब्बारे पकड़ाने हैं अंकों, शब्दों वाले बच्चों को अंकों वाले गुब्बारे पकड़ाने हैं। देखिए कैसे, ये जो 10 है, इस बच्चे में कितना लिखा हुआ है? संख्या 10 लिखी हुई है शब्दों में, तो हमने ये 10 का बलून पकड़ा दिया, गुब्बारा पकड़ा दिया। उसी प्रकार से अगला गुब्बारा है 30 का, तो हम यहाँ 30, इसमें से 30 है ही नहीं संख्या हमारे पास में,
10 है, 50 है, 20 है, 80 है, 100 है, 40 है और 60 है। तो सारी संख्या हमारे पास में नहीं है, तो 30 नहीं है, छोड़ो 30 को छोड़ देते हैं हम, ठीक है। फिर हमारे पास में बलून है 60 का, तो ये 60 है, तो हम इस गुब्बारे को, इस बच्चे को पकड़ा देंगे। इस 60 शब्दों में, अंकों में लिखा हुआ ये 60 है, इसको हमने इस 60 शब्दों में लिखे हुए 60 के बच्चे को गुब्बारा पकड़ा दिया। 10 पकड़ा दिया पहले, फिर 60 को भी पकड़ा दिया। अब संख्या बची 20, 20 का गुब्बारा हम पकड़ाएंगे इस बच्चे को, ठीक है। ये 20 का गुब्बारा हमने इस बच्चे को पकड़ा दिया, अंकों में जो 20 लिखा हुआ है गुब्बारे के ऊपर, उसको हमने बच्चे के शब्दों वाले गुब्बारे से मिला, बच्चे को दे दिया है गुब्बारा। फिर संख्या है 40, पहले 50 देख लेते हैं, 50 ये रहा, ये हमने 50 इस बच्चे को पकड़ा दिया। शब्दों में लिखे हुए 50 है, वो गुब्बारा हमने अंकों में लिखे हुए गुब्बारे को बच्चे को दे दिया है। फिर 10 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया, बच गया 40, तो 40 तो ये रहा, 40 तो हमने इस बच्चे को पकड़ा दिया। ये 40 है शब्दों में लिखा हुआ, हमने अंकों में लिखे गुब्बारे को, शब्दों में लिखे बच्चे को पकड़ा दिया है। फिर है 80, 80 ये रहा, ये गुब्बारा आ जाएगा इस बच्चे के हाथ में, ठीक है। ये शब्दों में लिखा हुआ 80 है और ये है अंकों में लिखा हुआ 80, तो इस अंकों में लिखे हुए गुब्बारे को हमने शब्दों में लिखी हुई संख्या के बच्चे को पकड़ा दिया है। फिर एक बच्चा और रह गया है, 10 के बच्चे को गुब्बारा पकड़ा दिया, 60 के बच्चे को गुब्बारा पकड़ा दिया, 50 के बच्चे को गुब्बारा पकड़ा दिया, 40 के बच्चे को भी गुब्बारा पकड़ा दिया, 20 के बच्चे को भी गुब्बारा पकड़ा दिया, 80 के बच्चे को भी हमने गुब्बारा पकड़ा दिया। अब संख्या बच गई है 100, कितनी बच गई है 100, तो ये 100 का बलून हमने इस बच्चे को पकड़ा दिया, ठीक है। ये 100 लिखा हुआ इस बच्चे के टी शर्ट पे शब्दों में, तो हमने ये अंकों में लिखे हुए बलून को शब्दों में लिखे हुए संख्या से बच्चे को पकड़ा लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारे बच्चों को गुब्बारे दे दिए हैं। एक गुब्बारा बच गया है 30 का, तो 30 ना 30 अंक है ही नहीं हमारे पास में संख्या 30 कोई, तो इस गुब्बारे को छोड़ देते हैं। एक 70 बच गया और एक 30 बच गया, ठीक है।